नमस्कार, स्वागत है आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और इस मैं आप मौजूद हूं रेजोनेंस में, जो कि आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो रेजोनेंस की ब्रांच जो है वो ओपन हो चुकी थी, और उसका जो है वो एक आरटीएससी यानी कि रेजोनेंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है वो लिया गया था, और उस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका था, लेकिन पुरस्कार वितरण में थोड़ा समय जो है वो लगा था। तो आज जो है वो पुरस्कार वितरण समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करने के लिए, तमाम बच्चों के अभिभावक। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरे जो आसपास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जो है वो लगातार पहुंचे हुए हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पे लगातार इस पुरस्कार वितरण समारोह में जो है वो शिरकत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि अलग अलग गणमान्य व्यक्ति जो हैं, गणमान्य लोग जो हैं वो यहाँ पे बच्चों को सम्मानित करने के लिए जो है वो लगातार पहुँचे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक के बाद एक जो इन बच्चों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जिन बच्चों ने उस आरटीएससी एग्जामिनेशन के अंदर अगर बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन ने जो हासिल की थी उनको जो है वो अगर बात करें तो उनको जो है वो लगातार सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें जो है वो ये दिखा रहे हैं, साइकिलें जो है वो वितरित की जा रही हैं। और उससे पहले जो है हम आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो सम्मानित जो है वो लगातार यहाँ पे आए हुए तमाम सदस्यों को जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको उसके बाद की अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि जिन बच्चों ने जो साइकिल जो इनाम रखा गया था वो इनाम जो है वो हासिल किया, उनको बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो साइकिलें वितरित की जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्मार्ट वॉच बच्चों को जो है वो एक के बाद एक उनको जो है वो गिफ्ट वितरित जो है वो की जा रही है। और अब यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि सबसे बड़ा पहला इनाम जो कि अगर बात करें तो आल्टो कार थी, उस आल्टो कार का जो है वो 4,95,000 रुपए का चेक जो है कि मनदीप के नाम जो है वो दिया जा रहा है, जो कि नराना गांव का रहने वाला है। तो चलिए अभी बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हमारे पारिवारिक मित्र है, एक आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का फंक्शन है जो पिछले 2006 साल से हर साल होता है, कॉलेज और स्कूल के एनुअल फंक्शन होते हैं। तो इन्होंने मुझे कल फ़ोन करा कि एक प्रोग्राम है आप आ जाएँ, तो मैं इनके आग्रह को नहीं टाल सका, आज आया। बड़ा अच्छा लगा कि सब क्लासेज हैं और स्कूल से बहुत बच्चे निकल के गए जो बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में चले गए। आज मैं देख रहा था स्कूल में ऐसा नहीं देखते कि बच्चे को 4,95,000 का प्राइज दिया जा रहा है, इसका मतलब कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, स्कूल का इनकम सोर्सेज बहुत बढ़िया है, बच्चों का कैरियर बहुत बढ़िया है, इस करके ऐसे प्राइज। नहीं तो दून स्कूल में तो हो सकता है, सेंट कोलंबस में हो सकता है, सोफिया में हो सकता है, गांव की इस बैकग्राउंड में इतना बड़ा होना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक्सपोजर है, इसलिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ। तो चलिएगा अभी जिस स्टूडेंट ने लैपटॉप जीता है, लैपटॉप अपने हाथ में लेकर के जो है वो खड़ा हुआ देखिएगा लेनोवो का, और ये हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? पीयूष। कहाँ से हो? तारावाली। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? लैपटॉप तीसरा इनाम पा रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे आए, रेजोनेंस का आरटीएससी एग्जाम दिया, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी मेहनत की? मेहनत तो बहुत की है, और वो एम्बुलेंस में सुबह 4 बजे उठते थे पढ़ने के लिए, और हॉस्पिटल आने के बाद थोड़ी देर फिर पढ़ते थे, और अगर डॉक्टर बोले मुझे 2 दिन का मोहलत दीजिए, मैं पढ़ के आऊंगा उसके बाद। तो उसके बाद आपने जैसे ही आपको पता चला कि आपने तीसरा इनाम जीत लिया, तो उसके बाद आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था रेजोनेंस में? हाँ। अच्छा, तो कैसा है यहाँ के पे सिस्टम, फैसिलिटी वगैरह कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं वही चीज बोल रहा था कि मेडिकल में बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के लिए 1 मिनट मिलता है। स्कूलों से किस प्रकार से अलग है यहाँ पे, क्या चीज आपको अलग लगी? देते हैं तो
फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। गाँव कैरा वाली सिलचर और पीयूष कुमार जो हमारे पहले विनोद सर के पास पढ़ते थे वहाँ से कोचिंग तैयार किए। कोचिंग के माध्यम से विनोद सर की लैंग्वेज पढ़ाई और मोटिवेशन के इन्होंने अपना स्थान हासिल किया है और उसके बाद इन्होंने रेसल कोटा में एक साल से अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और अच्छी आगे ये विषय कर रहा हूँ कि आने वाला भी आगे का प्राइज भी और विनर करे जो भी सेकंड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसमें हमारा बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है। जो नेम्स में आने के बाद कुछ सुधार देखने बहुत अच्छा सुधार लगा सर। चलिए अभी जो आरटीएससी परीक्षा के जो फर्स्ट जो आने वाले हैं फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले हैं मनदीप वो हमारे साथ में मौजूद है। ना देखिएगा भारतीय स्टेट बैंक का एक चेक जो है वो मनदीप के नाम जो है वो 4,95,000 रुपए का यानी कि केवल एक परीक्षा दी और 4,95,000 यानी लगभग 5,00,000 रुपए जो है इस छात्र ने इस विद्यार्थी ने जो है वो जीत लिए अपने नाम कर लिए हैं। अब ये 4,95,000 रुपए आल्टो गाड़ी के आल्टो गाड़ी ये 4,95,000 रुपए तो इन्होंने पैसे जो है वो लेना उचित समझा क्योंकि गाड़ी इनके पास होगी पहले से। मनदीप कहाँ से? नराणा से। नराणा से, अच्छा। और एक चीज जिससे एग्जामिनेशन में और देखने को मिली कि जो पहले 3 इनाम है बड़े इनाम है वो चौथा क्षेत्र में ही जो है वो हमें देखने को मिले हैं। पहला नराणा में है, दूसरा शायद रूपाना में है और तीसरा जो है वो केरा वाली गाँव में इनाम जो है वो गया है। तो मनदीप आपने इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ाई की, कैसे अपने आप को तैयार किया? मैंने 10th के अंदर एलएन का ऑनलाइन कोर्स को परचेज किया हुआ था जिसके अंदर मेरी क्लासेस 5:30 से 8:00 तक लगती थी। और उसके बाद फिर बाकी स्कूल का काम वगैरह वो साथ में इंक्लूड ही होता था? साथ में इंक्लूड, उसके अलावा वो और कार्य करता था। मैं रेजोनेंस में आने के बाद और रेजोनेंस में आने से पहले क्या डिफरेंस आपको लगा, रेजोनेंस में क्या अलग दिया जा रहा है? रेजोनेंस में काफी एक्सपीरियंस टीचर है जो डाउट क्लियर करते हैं। मतलब की पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी करवा रहे हैं? हाँ, पहले जो स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसे काफी अच्छी है। लगन तो अभी इनका काम ही पढ़ाई का ही है, अभी रूटीन के हिसाब से अभी तो 12 महीने से जब प्लस वन से हुआ है तब तो रेजोनेंस में ही है। इससे पहले वहाँ बट्टू पढ़ता था वैदिक में और उसके बाद इन्होंने एलएन का कोर्स लिया था, एक जो पढ़ना इसका पढ़ने का ही काम था। अभी इसने जो पूरे स्टेट के जो बच्चे आए हुए थे उनमें पहला स्थान हासिल किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं कि छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम, क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए मैं इन्होंने भी पास किया है और ये बताऊँ भी इसी तरह सभी बच्चे पढ़ते रहे और सभी के सहयोग मिले। खास करके चोपटा क्षेत्र ने इस बार एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की क्योंकि तीनों इनाम ही चोपटा में गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा माना जाता था चोपटा वो पिछड़ने से आगे की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये पढ़ाई ही सबसे आगे लाने का सब पढ़ाई ही सबसे ज्यादा अपने पास स्रोत है और सभी को बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए सभी बच्चों के लिए। जो अवार्ड दिए जा रहे हैं ये आरटीएससी हमारा 2023 हुआ था जी। और ये एक्चुअली हमें देने तो 6 महीने पहले थे लेकिन बांध की वजह से जो नाली का आ गया था पानी उसकी वजह से लेट हो गए, तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लेट हुआ उसके लिए सभी जो मेरे अभिभावकगण हैं जो इसकी वजह थे उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन भविष्य के जो आज आरटीएससी हुआ है जिसमें लगभग 722 बच्चों के करीब अपीयर हुए हैं तो उनके जो आरटीएससी का रिजल्ट है वो हम मान के चलते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे देंगे और उनके पुरस्कार जैसे आज स्कूटी है अल्टो गाड़ी है वो वितरित कर दिए जाएंगे जी। तो आज किस तरह का कार्यक्रम है वो आज का जो कार्यक्रम था सर वो एक तो हमारे आरटीएससी एग्जाम हुआ था जिसमें मैंने आपको भी बताया कि 722 बच्चों के करीब अपीयर हुए थे बच्चे और दूसरा ये जो हमारा आरटीएससी 2023 था उसके जो विजेता थे उनको पुरस्कार जो है वितरित किए गए हैं जिसमें मुख्य अतिथि के तौर में आपने देखा कि चौधरी रंजीत सिंह जी आए थे और उन्होंने सभी बच्चों को सम्मानित किया और अपना आशीर्वाद दिया। इन फ्यूचर अगर बात करें तो भविष्य में भी रेजोनेंस के द्वारा जो आरटीएससी एग्जामिनेशन है वो लगातार कंडक्ट करवाएंगे? हाँ जी सर, हर साल जो है आरटीएससी जो है ये एग्जाम होते रहेंगे और इसमें जो बच्चे अपने आगे आएंगे उनको उसी आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर मैं बात करूँ पिछले साल की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन स्कूटी लैपटॉप और जो हमारी अल्टो गाड़ी के अलावा हमने लगभग 92 लाख के जो है स्कॉलरशिप दी है और इस बार जो हमारा टारगेट है इसमें जो आरटीएससी 2024 जो आज हुआ है 31 मार्च को और होगा उसमें हमारे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी और जो मेगावी विद्यार्थी होंगे वो इसे
जरूर लेके जाएंगे। तो स्कॉलरशिप होगी और उसमें भी ये स्कूटी लैपटॉप? नहीं सर, उसमें स्कॉलरशिप भी होगी और ये प्राइस भी होंगे। ठीक।